तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं गौतमाले में हूँ। जो मेरे पीछे शहर है इसका नाम है एंटीगुआ। मेरे पीछे जो है यह है वोल्केनो, ठीक है ना। इसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको। दो दिन का सफ़र है, बड़ी तकलीफ़ का सफ़र है। ऊपर आखिर तक जाना है, पहले इसके ऊपर जाना है, फिर इसके नीचे करना है, दूसरे के ऊपर जाना है। बहुत मज़ा आने वाला है, चलो चलो। ओके भाई, लोग सीन कुछ ऐसे है कि आज एक एक्टिव वोल्केनो के ऊपर जा रहे हैं, जो कि इस टाइम मेरे पीछे है। इसके ऊपर चढ़ना है, 4000 मीटर की बुलंदी पर है। पिछले 2 घंटे से चल रहा हूँ। मेरे साथ जो लेकर जा रही है मुझे, ये है एलिजाबेथ, और जो है वो उस नोएमो नोम्ब्रे अकेनांदो अकातेनांगो, और इसके बीच में से लावा निकलता है। 6 घंटे ऊपर जाना है, और बिल्कुल चढ़ाई के ऊपर जैसे कि रोड चल रहा है, 6 घंटे जाना है। ये जनाब भी मेरे साथ है, और रात वहाँ पे रुकना है। रात को एक्टिव वोल्केनो देखना है, उसके अंदर से लावा निकलते हुए आप बिल्कुल पास जा सकते हो, यहाँ पे कोई चुट नहीं मारता। और अभी चलते हैं, 2 घंटे से चल रहा हूँ, 5 घंटे और जाना है, 7 घंटे 6.5 घंटे जाना है टोटल। बहुत अच्छा आएगा। ये हाल हवाल, ये मेरे चारों तरफ का सीन है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल के बताता हूँ। मैं गौतमाले में हूँ, वोल्केनो का नाम है फुएगो। सुबह के 10 बजे, तो ये व्यूज़ हैं। फिलहाल बेस कैंप के ऊपर, यहाँ जाना है, रात इसके ऊपर गुजारनी है। ये मेरे चारों तरफ का व्यू है। अच्छा, एक तो बैग से मैं बहुत तंग आ गया हूँ। 10-15 किलो का तो बैग होगा कम से कम। ये वोल्केनो का नाम है वोल्केनो दी अचेतेनांगो। एक ही है, पहले इसके ऊपर जाएंगे, फिर इसके बाद दूसरे पे जाएंगे। ये वाला, इसके अंदर से वो लावा नहीं निकल रहा, लेकिन जो इसके आगे है दूसरा वाला, उसमें से लावा निकल रहा। अभी टिकट लिया है, सारा दिन चल के आए हैं, यहाँ पर टिकट लिया अभी, और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन कर दूं कि मैं 2 जगहों पे जा रहा हूँ, 2 वोल्केनोस पे जा रहा हूँ। एक एक्टिव है, एक नहीं है। एचेतांगो पे रुकना है, और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर हमने जाकर रात को एचेतांगो फुएगो देखा है। कि बादलों से मैं ऊपर आ गया हूँ, 3000 मीटर चल लिया, और भी जाना, चल चल के बुरा हाल हो रहा है, बात भी नहीं हो रही। खाना खाते हैं अभी, फिर आगे ऊपर चलते हैं। फिलहाल का ये व्यू है, ठीक है, बादलों से ऊपर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कहाँ लिखा है वो कोने में, 3187 मीटर के ऊपर हूँ। खाना खाते हैं, ये खाना पड़ा हुआ है, फिर और ऊपर चलते हैं 4000 तक जाना। सीन ये है कि ये कैंप का किचन है, ये हमारा घर है, नीचे चाय बन रही है, कॉफ़ी मोफी, फुल सीन ऑन है। और के ऊपर एक छोटी सी जगह, यहाँ खाने पीने। सीन कुछ ऐसे है, मैं खड़ा हूँ 3351 के ऊपर, 3351, और व्यू मेरे पीछे का कुछ ऐसा है कि इसकी लाइट ज़रा कम करते हैं। नीचे सारे बादल हैं, और ये एक पहाड़ नज़र आ रहा है ऊपर, बादलों से निकला हुआ। 4000 तक जाना है, 500 और, मतलब 2 घंटे हो गए। What? Say the time we're in Mala. Man, you guys just are mad. Look at that. This is really high up. वैसे 5 मिनट 10 मिनट क्या क्या के स्पेनिश बोल के दिमाग का फालूदा कर दिया। वो देख चढ़ना किधर है यार, यार खुदा को मानो यार, बस्ती की इधर खुश हूँ मैं भाई, और नहीं जाना है हमको। यार बहुत ख्वारिश्ती है खुदा कसम। ये यार इसको गाइड की जॉब देने वाले को ना खुदा कसम बंदा थपड़े मारे लेस। खुदा कसम चलने फिरने से मैं तो खत्म हुए, मेरे से ज्यादा खत्म है यार। नौकरी देने वाले को बंदा पकड़े ऐसा थप्पड़े देना भाई। 2 रास्ते, एक सीधा रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता है। नहीं नहीं मुश्किल पे जाना है। ओ भाई सीधे पे चलो यार। नहीं नहीं यार, चल चल के बुरी हालत हो गई है।
क्या पाने वाला है थोड़ी। ये व्यू है मेरे पीछे, ये ऊपर जो है ये वोल्केनो है जहाँ से लास्ट टाइम लावा आया था, ये सारा पीछे लावा, लावा के पीछे ठंडा ऑफ कोर्स। आपने कभी बादल बनते हुए देखे? ये देखें, ये बादल बन रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं। अच्छा तो हम लोग आ गए, ये कंपनी का नाम है जिनके साथ मैं आया हूँ। सामने ये जो है वोल्केनो, ये बार बार इसकी इरप्शन होती है, इसका नाम है फुएगो। यहाँ रुकना है रात को, जैसा हमेशा मतलब मैं बताता हूँ, मेरी वीडियो का मकसद ये नहीं होता कि आपको सिर्फ जगहें दिखाई जाए, कुछ सिखाया भी जाए। जब भी कभी हाइक पे आपने जाना है, अगर आपके पास प्रोफेशनल स्टिक्स हैं तो आपने वो साथ लेकर जानी है, ठीक है। बहुत हेल्प होती है, बहुत ज़रूरी है। सर दर्द की गोलियाँ साथ ले जानी है, कई दफ़ा एल्टीट्यूड की वजह से दर्द होता है सर में। ये है हमारा जहाँ पे हमने सोना है, ये लोग मेरा बिस्तर वगैरह बराबर कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठ के सामने व्यू होगा। ये अभी क्लाउड्स हटेंगे तो मैं देखूँगा, यहाँ रात को आग लगाएंगे, चिल पार्टी वाला माहौल है, रिलैक्स करना है। अभी प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि खाना वाना थोड़ा सा खाते हैं, फिर इस रास्ते से होते हुए नीचे जाएंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे, और इस वोल्केनो को पास से देखना है, इसके अंदर से लावा निकल रहा है। तो कोशिश यही है मेरी कि बिल्कुल पास जाके देखूं, जितना पास सेफली हो सके मैं जाऊंगा। या एक बात बताना, इस व्लॉग का मतलब फीलिंग्स भी इमोशंस भी बताना है, तो कसम से बहुत ज़िंदगी में जगहें देखी लेकिन ये एक अलग लेवल की जगह है। मैं टॉयलेट के लिए आया था यहाँ पर, और ये मेरा व्यू है टॉयलेट के पीछे। आप खाली ज़रा इस व्यू के शुक्र अदा नहीं कर सकते यार, सिर्फ अब सीन ऐसे है कि ये है फुएगो। कितने लोग यहाँ मरे हैं? तकरीबन 500 लोग मरे थे आज से 4 साल पहले, जब इसकी इरप्शन हुई थी। इसमें से बहुत सारा लावा निकला था और यहाँ तक आया था। यहाँ जो पड़ी हुई है ना चीज़ें, बाय द वे दिस इज़ माय टेंट, यहाँ पर जो यहाँ पर लावा पड़ा हुआ, पत्थर पड़े हुए, वो वहाँ से यहाँ आए हैं। अब मेरा प्रोग्राम है, शाम के 4 बज गए, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है एल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नीचे उतरेंगे, यहाँ से नीचे उतरेंगे, ठीक है, रास्ता जा रहा है इस तरफ से, वापस जाएंगे, इसके जितना पास हो सकते हैं वहाँ जाएंगे। हर 20 मिनट के बाद इसके अंदर से लावा निकलता है और बहुत अच्छी खासी इरप्शन होती है। आप देख रहे होंगे अभी भी धुआं निकल रहा है, तो मेरे पीछे थोड़ी सी इरप्शन हो रही है अभी भी, काले रंग का धुआं निकल रहा ना। मेरी कोशिश है कि इसके मैं जितना पास जा सकूँ वहाँ जा के वीडियो बनाता हूँ, बहुत चास आएगा, मज़ा आएगा। अभी भाई लोग सीन ऐसे है कि बहुत ख़तरनाक जगह है, यहाँ से गुजरना है हर जगह के ऊपर, जहाँ पर अगर आपका एक पैर भी स्लिप हो गया ना आप गए। कई लोग यहाँ से वापस चले गए आधे रास्ते से, बोल रहे हैं कि आगे ख़तरा बहुत ज़्यादा है। भाई हम तो खतरों के खिलाड़ी, हम लोग जब तक उधर तक नहीं पहुँचाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे, हम नहीं रुकेंगे भाई। हम जा रहे हैं, हमारे पास है ना प्रोफेशनल सिक्के, बस पहुँचेंगे भाई। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? खुदा की कसम जितना भी शुक्र अदा करो नहीं कर सकते हो। सिर्फ इस व्यू को देखें आप, ईश, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए यार। पीछे मेरे वोल्केनो है, इस तरफ सनसेट है, जन्नत है। आपने यहाँ नहीं आना अगर आपका वज़न 80 किलो से ज़्यादा है, और बच्चे ला सकते हो, कोई टेंशन नहीं। वो क्या कहते हैं कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? खुदा की कसम बस वाओ। सिर्फ बस दिल से एक चीज़ निकलती है, शुक्र। अच्छा भाई लोग, अंधेरा होने वाला है, शाम हो गई है, मेरा टारगेट है वो अब भी 2 घंटे बाकी हैं, लाइट जला के रोशनी में वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे, फिर वापस अंधेरे में आएंगे, तो अंधेरे में वीडियो नहीं बनेगी, तो ये सीन है। ओके भाई लोग, रात के 9 बज गए और मैं वोल्केनो के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ, ठीक है, ऊपर सामने वोल्केनो है। जैसे ही इसको ये फटेगा, तो मैंने कैमरा लगा दिया, लगाता हूँ अभी, जैसे ही ये फटेगा तो आपको दिखे। वाओ, व्हाट, ये दिखाने के लिए आया था, इतनी मेहनत इसके लिए की है।
एक और एडिक्शन वो इसी वजह से यहाँ इतनी मेहनत जो की है ना 10 घंटे पैदल चलने के लिए ये देखने के लिए किया या क्या बात है। उफ, कौन कहता है सफर नहीं करना चाहिए यार। लाना तो उस पैसे में जो आपको यहाँ तक ना ला सके। सीन ऐसे है कि इसकी जो है ना वीडियो मज़ा नहीं कर रही यार बिल्कुल भी। मतलब वीडियो में आप वो चीज़ देख ही नहीं पा रहे, वो तस्वीरें ले ही नहीं पा रहे जो वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और आप अंदर फील करते हो कि एक एक आप हिल के रह जाते हो यार। एक एक पत्थर जो बीच में से निकलता है ना आपके अंदर तक आपको एक फीलिंग महसूस होती है। ये बहुत बहुत मज़ा आता है। रात के 10:30 बज गए, हाँ अभी तक कैंप पर नहीं पहुँचे, तकरीबन 1.5 घंटा और लगेगा। और बाय द वे सुबह 7 बजे से निकले हुए और अब चल रहे हैं, तो 7 से लेकर अब तक आप खुद अंदाज़ा लगा लें। रात के 10 बज गए, अभी पहुंचे नहीं है कैंप, पहुंचने में भी 1.5 घंटा है और चल रहे हैं पहाड़ों में अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये वोल्केनो के बाद का सीन है। अच्छा तो अभी मैं आया हूँ ग्रुप, वहाँ से वापस आया हूँ, तो करना ऐसे है कि यहाँ इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अंधेरा है काफ़ी, शायद मेरी शक्ल नज़र भी ना आ रही हो, आग जल रही है, और थोड़ी देर आग के अंदर बैठते हैं, सामने एक और एक दो शॉट लेते हैं उसके लावा के। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी आपको मौका देती है तो जो मुझे यहाँ पर आकर फील हुआ है ना, मुझे 80 मुल्कों में फील नहीं हुआ। अगर आप आ सकते हो, ग्वातेमाला का टिकट बुक करो, ग्वातेमाला शहर में आओ, वहाँ से एक छोटा शहर है अंतिगुआ इसका नाम है, वहाँ आओ और वहाँ से इनका इस कंपनी के साथ अपनी बुकिंग करो और आराम तसल्ली के साथ आकर ये वोल्केनो आपने देखना है, ठीक है। कुछ पता नहीं है कब तक इसके अंदर इरप्शन हो रही है। जब इरप्शन होती है इसके अंदर और दूसरे वोल्केनो में ये फ़र्क है, इसके अंदर पत्थर गरम गरम पत्थर बाहर निकलते हैं ऊपर से, और अभी भी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ये हो रहा है। तो मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, तो ये हर घंटे के अंदर, घंटे में तकरीबन 1-2 दफ़ा होता है, तो जब तक हो रहा है तब तक देख सकते हैं। ये सामने जैसा कि आप देख सकते हैं वोल्केनो चल रहा है, यहाँ आग लगी हुई है, मैं अपने गाइड्स के साथ बैठा हुआ फुल पैर गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर्दी सख्त किस्म की सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, पीछे लावा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पीछे सीन लगा हुआ है, धड़ाधड़ धमाके हो रहे हैं इसके बीच में, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग है। अगर आप आ सकते हो यहाँ पर ज़रूर आना। तो ये सीन है भाई, आवाज आई है, ये गरम गरम पत्थर जमीन के अंदर से इस लावा से बाहर निकलते हैं। कसम से यहाँ बैठकर आग के आगे बहुत जबरदस्त किस्म का ये व्यू है, और चारों तरफ आप शहर देख सकते हैं, ठीक है, पहाड़ के में हम लोग दूसरे माउंटेन के ऊपर बैठे हुए हैं, एक तरफ ये व्यू है और दूसरी तरफ ये हम बैठे आग के ऊपर चिल पार्टी चल रही है, रिलैक्स हो रहा। गुड मॉर्निंग। तो ऐसा है कि सुबह के 5 बजे मेरा ख्याल है, आग जल रही है, 1 सेकंड भी नहीं सोया रात को, ऐसी सर्दी है ना, -5 डिग्रीज, और ये व्यू है, सुबह का सनराइज, सूरज निकल रहा है, और ये जो है यहाँ से थोड़ी देर में लावा की इरप्शन होगी। लोग मुझसे पूछते हैं, भाई तुझको क्या पंगा है, तू क्यों इतना सफ़र करता है? यार ये देखो ना यार, ये सफ़र के काबिल नहीं है। अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी बनाई है, दुनिया बनाई है, चारों तरफ देखने के काबिल है यार, इसके लिए ना उठा जाए सोचने की बात है, इसके लिए घुमा फिरा ना जाए। फिलहाल मुझे नींद की पड़ी हुई है।
दो दिन से ना इसने स्पेनिश सिखा के सुना सुना के दिमाग का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं इसको उर्दू सिखा दूं। से मैं बहुत बहुत बड़ी कमीनी हूँ। मुझे नौकरी पे रखने वाले तेरा मुखाला। मैं बहुत बड़ी कमीनी हूँ। मैं बहुत बड़ी कमीनी हूँ। परफेक्ट। मैं बहुत बड़ी कमीनी हूँ। Okay. Say it properly. No puedo, rápido, muy rápido. अच्छा, ये बड़ी एक मजे की चीज देखने को मिली कि यहाँ पर जो लोग हैं अपने मजहब के लिहाज से 5-6 घंटे कुछ भी नहीं खाते और पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जीसस को हाथ में पकड़ा हुआ ऐसे गाने माने गा रहे और ऊपर जाते हैं। Del poder de Dios, San Pablo dice, no me hago... यार बाकी बातों को छोड़ो, आप खाली जरा मेरा बाथरूम चेक करो। बोला टट्टी करने का भी मजा आता है जिंदगी में यहाँ पर। अंदाजा लगाओ यार।